तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 8 बजे से, और मैं बना रही थी चूल्हे पे फुलके, और साथ ही में आज हमने बनाया था मटर पनीर। और ये जो पनीर ना, ये हमने खुद अपने घर पे बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और साथ ही में मैं बना रही हूँ खाना, और ये देख सकते हैं आप मेरा ड्रेस, बिल्कुल सर्दियों वाला, सिर पे कैप है, गर्म सूट है, और इतनी अच्छी आग भी चली हुई है, और हम बना रहे हैं खाना यहाँ चूल्हे पे। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम पे, और ये मेरी कैट हमेशा ऐसे मेरे पाँव पे सो जाती है, इसको यहाँ पे सोना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं देख रही थी टीवी, और टीवी देखने के बाद नेक्स्ट सुबह मैं चली गई ऑफिस, और अपने सुनसान रास्ते से घूमते हुए, और साथ ही मेरे साथ मम्मी पापा भी जा रहे थे, ये घास काटने जा रहे थे। हमारा घास ना बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ जाने के लिए भी 1 घंटा लगता है और आने के लिए भी 1 घंटा लगता है। तो मम्मी वगैरह मेरे साथ जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ जा रही थी। उसके बाद मैं पहुँच गई ऑफिस, और ऑफिस में किया मैंने थोड़ा बहुत काम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम, ज़्यादातर काम मुझे डिज़ाइनिंग का ही होता है, और अभी भी मैं न्यूज़पेपर एडिट कर रही हूँ। और साथ ही में फिर मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो भी बना लेते हैं साथ साथ में। और फिर काम करने के बाद आज मैंने ऑनलाइन सूट मंगवाया था, तो वो भी आ गया था, और ये इतना ज़्यादा सुंदर था ना, तो आप भी इसे ज़रूर मंगवाना मीशो से। और इसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर में पता है आपको काम तो करना ही पड़ता है, और हमने आज अपनी जो जितनी भी ये रजाइयाँ ना, इनको हमने धूप लगाई थी, और इनको हम रख रहे थे बेड बॉक्स में। और हमारी जो बिल्लियाँ हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, तो इनको बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि ये कुछ करे तो कुछ पता नहीं क्या करे, हम भी देखते जाके। और एक तो ये बेड बॉक्स में घुस गई थी जाके, और ये बड़े खुश थे, क्योंकि इनको ना ऐसी शरारतें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये ऐसे हमारे साथ खुश रहते हैं। तो बस अभी तो यही काम चल रहा था, और इस काम को करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि बेड बॉक्स से जो ये रजाइयाँ होती हैं ना, ये निकालनी तो आसान होती है, पर इनको रखते हुए ना हालत ख़राब हो जाती है, तो इसकी सेटिंग ही नहीं आ रही थी, और ऊपर से बिल्लियाँ ना इसके अंदर बार बार जाई जा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको सेट किया। और आप देख सकते हैं बिल्लियाँ इधर उधर जो है खेल रही थी, और इसको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखो यहाँ पर ये सब इतने खुश हो रहे थे कि ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये अपनी धुन में सवार थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो बस ये काम किया, और उसके बाद हमने किया डिनर। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।